गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि सभ्यता कैसे स्टार्ट हुई, मतलब इंसान ने, अगर हम सोचें कि आर्ट कैसे सीखी, साइंस कैसे फील्ड में आई, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे बनी, सोशल सोसाइटी कैसे शुरू हुई, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग फ्रॉम हियर। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द पीरियड व्हेन मैन वाज अ फूड गैदरर। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस कहते आए जब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंसान ने सभ्यता के अंदर या अपनी इंसानियत को पहचानना शुरू किया, सोसाइटी में कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए उस टाइम से लेके जब एक इंसान फूड गैदरर था, सिर्फ फूड इकट्ठा करना जानता था, उसको नहीं पता था कि फूड को उगाना कैसे है। ठीक है, टू द टाइम व्हेन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। फिर एक टाइम ऐसा भी आया न्यूलिथिक एज तक, ठीक है, कि वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? पैलोलिथिक एज में, जब एक फूड हंटर था, सिर्फ फूड गैदरर था, फिर धीरे धीरे उसको पता चला, ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस आए, फिर वो क्या बन गया, न्यूलिथिक एज तक आते आते फूड प्रोड्यूसर बन गया। दीज चेंजेस लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। तो यही चेंजेस, यही बदलावों ने क्या बनाया, सिविलाइजेशन की फाउंडेशन, सभ्यता की एक नींव रखी। ठीक है, सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो सिविलाइजेशन क्या है? वो स्टेज है जहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होती है। किन किन फील्ड्स में? आर्ट में, कला में, विज्ञान में, समाज में, पॉलिटिकल राजनीति में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक जो आर्थिक इंस्टीट्यूशन है उन चीज़ों में। द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लॉरिस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बिकॉज द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉयल एंड क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउस। ठीक है, तो अर्ली सिविलाइजेशन क्या थी, कहाँ पर ज़्यादा, मतलब फ्लॉरिश मैंने कहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी तरह से, मतलब पनपती थी, मतलब अच्छी तरह से ऊपर उभर के आती थी, वो थी रिवर बैंक्स के किनारे, मतलब रिवर्स, नदियां जो हैं उनके किनारों के पास। क्यों? क्योंकि वहां पे नीड ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की जो ज़रूरत है उनकी कंप्लीट होती थी, सॉइल फर्टाइल मिल जाती थी उनको, क्ले मिल जाती थी ब्रिक्स बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए। ठीक है, मोर ओवर द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज द मॉडरेट क्लाइमेट। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज थी उससे उनको फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड की फैसिलिटी बहुत ईजीली मिल जाती थी, व्यापार करना, फिशिंग करनी, ट्रांसपोर्ट शिप्स के थ्रू, मतलब ट्रेड करना, तो वो भी बड़ा ईजी था। और मॉडरेट क्लाइमेट, क्लाइमेट भी जो है रिवर के पास बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग द कॉपर इन द लेटर न्यूलिथिक पीरियड। अर्ली न्यूलिथिक पीरियड में कॉपर आया, ठीक है, फिर बाद में क्या आया, लेटर न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मैन ने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना और स्मेल्ट करना, एक्सट्रैक्ट और स्मेल्ट का मीनिंग है कि पिघला के उसमें से कुछ नया निकालना, ठीक है, तो वो करना शुरू किया कॉपर को। हिज एक्सपेरिमेंट हेल्प्ड हिम टू प्रोड्यूस अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था कॉपर को लेके, उसने पिघलाया, उसको चेंज किया, तो उस वजह से कौन सा एक मेटल निकला नया, ब्रॉन्ज मेटल। ठीक है, विच इज़ एन अलॉय ऑफ टू मेटल, जिसमें दो मेटल्स की मिक्सचर हम कह सकते हैं था, एक टीन और एक कॉपर। ठीक है, एंड इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन बोथ। और टीन और कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना वो, और उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कह सकते हैं कैपेसिटी भी दोनों से ज़्यादा थी। द पीरियड दस केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज एज। तो इस एज को क्या, पीरियड जब ब्रॉन्ज जो है इंट्रोड्यूस में आया, तो इस पीरियड को क्या कहा गया, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, Do you know smelting means to heat and melt an ore to obtain metal from it? ठीक है, smelting का meaning I have already told you कि एक जो product है उसको heat देना, ठीक है, उसको melt करना, फिर उसमें से कोई नई metal निकालना। ठीक है, so I think this is enough for today. Next video we will discuss the next part of this chapter. तब तक आप इसको read करना और समझने की कोशिश करना। Thank you.